डोडा के जक्यास इलाके और गुंदो इलाके में पिछले कई दिनों से डीडीसी चेयरपर्सन जो महराज मलिक है उसके बीच में और ब्लॉक के बीच में एक तरह से लड़ाई छिड़ी हुई थी और ये लड़ाई जो है वो करप्शन और काउंटर करप्शन के रिलेटेड जो है वो एलिगेशंस पर थी। डिप्टी कमिश्नर डोडा ने जो है वो फाइनली जो एलिगेशंस दो जीआरएस के खिलाफ लगाए गए थे उनको इंक्वायरी में जो है वो सही पाया गया है, लेकिन क्या सिर्फ टर्मिनेशन ही जो है वो एक जो होनी चाहिए इन जीआरएस की जिनके खिलाफ करप्शन जो है वो प्रूव हो गया है, और क्या इन पर एफआईआर नहीं होनी चाहिए, जो 400BC का पर्चा इन पर नहीं लगना चाहिए, क्या जो मिस अप्रोप्रेशन ऑफ गवर्नमेंट फंड्स है उसके तहत इनके खिलाफ जो है वो विजिलेंस को केस नहीं देना चाहिए था, सिर्फ टर्मिनेशन करके क्या जो गवर्नमेंट है और डिपार्टमेंट है वो इन दो जीआरएसों को जो है वो बचा रहा है, ये सबसे बड़े सवाल है। जब महराज मलिक पर जुलूस करने के लिए या किसी करोड़ को तकरीर करने के लिए और इस इल्ज़ाम के तहत एफआईआर लग सकती है कि वो उनको इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, तो क्या जो ये दो जीआरएस है जिनके खिलाफ एलिगेशन जो है वो इंक्वायरी रिपोर्ट्स में प्रूव हो गए हैं कि ये करप्ट प्रैक्टिस करते थे, क्या इन पर एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए, और अगर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है अभी तक तो एफआईआर वो कब दर्ज होगी, ये जो है वो आम इंसान जो है वो जानने की कोशिश कर रहा है और हमसे सवाल पूछ रहा है कि जब डीडीसी चेयरपर्सन के खिलाफ जो कि एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उस पर दो लगातार एफआईआर है जो है वो पुलिस स्टेशन गुंदों में दर्ज हो सकती है, तो डिप्टी कमिश्नर के कहने पर या एसीडी के कहने पर जो ये दो जीआरएस है जिनकी सर्विसेज को टर्मिनेट किया गया और टर्मिनेट सिर्फ इस बेस के पे किया गया कि ये करप्शन में मुलाविस थे। अब सवाल जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जो आरडीडी ऑफिशियल्स हैं उनके पाले में है कि इन दो टर्मिनेटेड जीआरएस के खिलाफ जो है वो पर्चा कब लगता है और जो करप्शन के इनके खिलाफ चार्जेस है उस पर पर्चा कब लगता है। मैं बता दूं कि जो डिप्टी कमिश्नर डोडा जो है उन्होंने एक आर्डर जो है वो ये कल की डेट का आर्डर है जो आज जो है वो पब्लिक डोमेन में आया, इस पर काफ़ी लोग जो है वो खबरें कर रहे हैं, लेकिन खबर इसकी असली यही है कि अगर इन दो जीआरएसों को टर्मिनेट किया गया करप्शन के एलिगेशन पर और इंक्वायरी में करप्शन के चार्जेस जो है इन पर सही पाए गए तो इन पर एफआईआर कब होगी और ये गिरफ्तार कब होंगे। मैं बता दूं कि जो डिप्टी कमिश्नर डोडा का जो आर्डर है जो DCD/PA-03/2024-177-181 ये जो आर्डर है जो डेटेड 4/5/2024 है इसमें बताया गया है कि टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज ऑफ मिस्टर बशारत हुसैन जीआरएस पंचायत जक्यास ए, मिस्टर बशारत हुसैन जीआरएस पंचायत जक्यास ए और मिस्टर आफाक अहमद जीआरएस पंचायत चनियास ब्लॉक जक्यास अंडर नरेगा, जो ये दो जीआरएस है ये नरेगा के तहत जो है वो अपॉइंटी हैं और इनकी टर्मिनेशन का आर्डर जो है वो डीसी डोडा ने निकाला है। इसमें ये बताया जा रहा है कि जो सर्विसेज आप बशारत हुसैन, जो मैं आपको ट्रांसलेट करके ये बता रहा हूँ, ये अंग्रेज़ी में आर्डर है, जो सर्विसेज आप बशारत हुसैन है ग्राम रोजगार सेवक सहायक जीआरएस पंचायत जक्यास ए और मिस्टर आफाक अहमद जीआरएस आप पंचायत चनियास ब्लॉक जक्यास जिनको सस्पेंड किया गया था आर्डर के तहत जो डिप्टी कमिश्नर ने ही इशू किया था 30/4/2024 को, और इसमें जो है वो एक आर्डर जो है वो डीसी के तहत जो बताया गया है उसके तहत जो है वो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर डोडा को जो है वो अपॉइंटेड इंक्वायरी ऑफिसर जो है वो अपॉइंट किया गया था और असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट डोडा को जो है वो एज प्रेजेंटिंग ऑफिसर, यानी कि जो एसीडी डोडा है वो इस इंक्वायरी में प्रेजेंटिंग ऑफिसर था, जो इनके खिलाफ चार्जेस लगे हैं और बाकी चीज़ें लगे हैं जो रिकॉर्ड मांगा गया था उसकी जो पैरवी है और जो रिकॉर्ड है वो बजरिए एसीडी जो है वो जो हमारे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर डोडा जो इंक्वायरी ऑफिसर थे उनको पेश किया गया, और वो पोस्ट सबमिट ए डिटेल रिपोर्ट जिसको बताया गया था कि वो इसके बारे में जो है वो डिटेल रिपोर्ट जो है वो बयान करे जो एलिगेशन है करप्ट प्रैक्टिसेस के इन दो जीआरएस के खिलाफ और जो चार्जेस है इनके खिलाफ जो कि ब्लॉक जक्यास में जो है वो पोस्टेड है। इसके बाद ये बताया गया कि जो इंक्वायरी ऑफिसर है उसने डिटेल रिपोर्ट जो है वो लेटर नंबर 44 PA
ओब्लिक ए डी सी ओब्लिक डी ओब्लिक 2024 डेट इज 3/5/2024 को जो है ये रिपोर्ट जो है वो सबमिट की, जिसमें ये एस्टेब्लिश्ड होता है कि जो दोनों ऑफिशियल्स हैं यानी कि जीआरएस हैं, उन्होंने जो है वो करप्ट प्रैक्टिस अडॉप्टेड, मैं बता दूं अंग्रेजी में बाद में पूरा बताऊंगा, कि हैव अडॉप्टेड करप्ट एंड अनएथिकल प्रैक्टिस ड्यूरिंग डिस्चार्ज ऑफ देयर लिजिटिमेट एंड लॉफुल ड्यूटीज ऑन मल्टीपल ओकेजन्स। यानी कि जो ये ऑर्डर है इसमें ये साफ बताया जा रहा है कि जो इंक्वायरी ऑफिसर है उसने अपनी रिपोर्ट में ये बात बताई है कि ये जो दोनों ऑफिशियल्स है, जीआरएस है यानी कि जो बशारत हुसैन जीआरएस पंचायत जकियास ए और आफाक अहमद जीआरएस पंचायत चनियास बी ब्लॉक जकियास जो नरेगा के तहत अपॉइंट किए गए हैं, उनके खिलाफ जो है वो एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा जो है एक तो करप्शन में इन्वॉल्व हुए हैं ये, और दूसरी बात जो है अनएथिकल पॉलिसीज़, यानी कि अनएथिकल पॉलिसीज़ में ये आता है कि काम जो है वो एक बंदे को देना लेकिन उसको नहीं दिया, दूसरे को दिया जहाँ से उसको बेनिफिट मिले, या अपने रिश्तेदारों को दिया या अपने दोस्तों को दिया या किसी अनड्यू फेवर के तहत जो है वो उस तरह का प्रोसीजर अपना कर जो है वो, जैसे मैंने सुबह भी वीडियो में बताया था कि किस तरह से जो है वो मंडली बनी हुई है जी आर एस की, टीएस की, पंचायत सेक्रेटरीज की, कि उन लोगों को ही सिर्फ काम दिए जाते हैं जो उनके अपने बंदे हैं, फिर वो पैसा जो है वो करप्शन का करके मैक्सिमम काम जो है वो ऑन ग्राउंड होते नहीं। हालांकि आज जियो टैगिंग का दौर है लेकिन जियो टैगिंग को भी जो है वो बाईपास करके जो है वो इस तरह की टेक्निकें जो करप्ट प्रैक्टिस अपनाई हुई है, जिस तरह से हमने देखा कि जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट ने मीटर्स लगाए हैं वहां पर अपने ही लोग जो है वो लोगों को चोरियां करना सिखा रहे हैं, अब गवर्नमेंट इस बात पर मजबूर हो गई कि वो स्मार्ट मीटर्स लगा रहे हैं। इसी तरह के जो करप्शन प्रैक्टिसेस जो है वो ये लोग करते थे और अब गवर्नमेंट को जो है वो इस तरह के स्टेप उठाने पड़े, और इस बात से ये बात साफ जाहिर होती है कि जो डीडीसी कारा के जो एलिगेशंस थे वो सही थे और जो लोगों के एलिगेशंस थे इन दो जीआरएस के खिलाफ वो सही थे। लेकिन सिर्फ इसमें एक ही चीज का पेच है कि जो डीडीसी कारा है उसका जो बिहेवियर है उसको लेकर जो है वो ऑब्जेक्शनेबल चीजें हैं। वो हम भी मानते हैं कि जो डीडीसी कारा का जो है जो महराज मलिक है उसका जो बिहेवियर है वो कभी कभार जो है वो ठीक नहीं है, कभी कभार के मैक्सिमम टाइम ठीक नहीं है। मैं उनको बार बार यही बताता हूँ और यही नसीहत करते हैं कि वो जो है वो सही रास्ता अपनाएं, जिस तरह से आज उन्होंने अपनाया है ऑफिशियल कम्युनिकेशन करके, और अब ये दो जीआरएस जो है वो टर्मिनेट किए गए हैं। और मैं बता दूं कि इसमें ये बताया गया है कि जो ऊपर फैक्ट से उसके मद्देनज़र बशारत हुसैन जीआरएस पंचायत जकियास ए जिनको गवर्नमेंट आर्डर नंबर ACDD ओब्लिक नरेगा ओब्लिक SS 2009 ओब्लिक 11/183-95 डेटेड 10/2/2009 इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी, और जो आफाक अहमद है जीआरएस पंचायत चनियास ब्लॉक जकियास उनकी जो एंगेजमेंट है आर्डर के वो हुई है ACDD ओब्लिक नरेगा ओब्लिक SS 2009 17/593-97 डेटेड 25/10/2010 आर हियर बाई टर्मिनेट फ्राम द सर्विसेज ऑफ ग्राम रोजगार सहायक अंडर नरेगा विद इमीडिएट इफेक्ट। यानी कि इन दोनों की जो सर्विसेज है विद इमीडिएट जो है वो टर्मिनेट किए गए, हालांकि ये 14 साल से जो है वो डिपार्टमेंट में थे और डिपार्टमेंट को इस जैसे लोग जो है वो लूट रहे थे। क्या अब इन दो जीआरएस के बाद जो गवर्नमेंट है वो बाकी जीआरएसेस हैं या टेक्निकल स्टाफ है, टेक्निकल असिस्टेंट्स है, क्या उनकी भी जो है वो वेरिफिकेशन कराएंगे? किश्तवाड़ में इस तरह के कई केसेस पड़े हैं, डोडा डिस्ट्रिक्ट में इस तरह के कई केसेस पड़े हैं जहां पर इस तरह के लोगों पर जो है वो करप्शन के चार्जेस है। हालांकि जो डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ है उन्होंने यहां पर भी जो है वो 8 लोगों को जो है वो टर्मिनेट किया था, उसमें से 7 तो घर बैठे हैं, एक जो है वो अभी भी जो है वो इन सर्विस है, उसके क्या रीजन है वो बता नहीं सकते। पिछले दिनों भी जो है वो 2 टेक्निकल असिस्टेंट्स को जो है वो अटैच किया गया डायरेक्टर के ऑफिस में, जिसमें वो लोग जो है वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में पाए गए। इसके अलावा जो है वो TS है, GRSs है या बाकी जो सपोर्टिंग स्टाफ है नरेगा का, उन पे भी जो है वो काफ़ी करप्शन के चार्जेस है। हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट इनको आगे चलकर जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करेगा, क्योंकि ये हर एक साल के बाद जो है वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होना है, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और जो डिपार्टमेंटल इन्फ्लुएंस है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया जो GRSs और जो बाकी टेक्निकल स्टाफ है वो ग्राउंड लेवल पर जो है वो कलेक्शन एजेंट का काम करते हैं। हम चाहेंगे कि जो कॉन्ट्रैक्ट जब इनका रिन्यू होगा हर एक का कॉन्ट्रैक्ट की जो है वो CID की वेरिफिकेशन की जाए, ताकि इनके खिलाफ जो करप्शन के चार्जेस है उनको जो है वो देखा जाए। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।